अच्छा, तो इसमें हमारा जो है वो आई बॉल का स्ट्रक्चर है आज जो पूरा जो है इस बोर्ड में कवर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, पहले कवरिंग्स आ जाएंगी आई बॉल की, मेनली जो है तीन बेसिक कवरिंग मेनली हमारे पास, तीन बेसिक कवरिंग हैं वो भी आगे कवर हो जाएंगी, लेकिन अगर पहले मेनली तीन बेसिक कवरिंग देख लेते हैं, वो है पहले आउटर जो स्क्लेरा प्लस कॉर्निया ऐसे ही है ना, और मिडल जो है हमारे पास वेस्कुलर लेयर है, हाँ ये लिखा हुआ भी है इधर वेस्कुलर लेयर है, और जो हमारे पास आखिरी है वो हमारे पास पिगमेंटेड और न्यूरल लेयर है, पिगमेंटेड में रोड्स और कौन आते हैं, ये तीन बेसिक लेयर्स हैं। अच्छा बातें मेनली, अब इन तीन लेयर्स के आगे भी कुछ लेयर्स हैं जो हम बेसिक लेयर्स तो ये तीन है, लेकिन इसके आगे भी कुछ चीज़ें पड़ी होती है। सबसे पहले क्या पड़ा होता है हमारे पास, फैट पड़ा होता है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या होता है, टेनन्स कैप्सूल पड़ा होता है एंटीरियरली और पोस्टीरियरली। एंटीरियरली टेनन्स कैप्सूल को हम क्या कहते हैं, चेक लिगमेंट, क्यों, क्योंकि इसके साथ टेंडन्स होते हैं जो उसको आगे अटैच करवा रहे होते हैं और आगे एक सील बना रहे होते हैं, जबकि पोस्टीरियर के साथ ऐसे टेंडन्स नहीं होते, तो इसलिए डायग्राम में भी पोस्टीरियर टेनन्स कैप्सूल को हम चेक लिगमेंट नहीं कहते, मैंने बोला था। अच्छा, और डायग्राम ये इस डायग्राम में एंटीरियर टेनन्स कैप्सूल और पोस्टीरियर टेनन्स कैप्सूल दिख रहा है, तो इसमें एंटीरियर टेनन्स कैप्सूल के साथ जो हमारे पास लिगामेंट्स भी आगे की तरफ जा रहे हैं और एक सील बना रहे हैं, इसलिए हम एंटीरियर कैप्सूल टेनन्स कैप्सूल को चेक लिगामेंट कहते हैं, जबकि पोस्टीरियर टेनन्स कैप्सूल को नहीं कहते, और इसका आगे सील ये बन रही है चेक लिगामेंट ऑफ द लैटरल रेक्टस मसल, तो ये हमारे पास जो एक सील बन के आगे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ हमें पता लग रहा है कि ये चेक लिगामेंट है। यस, तो हमारे पास जो ये है, एक मिनट, अच्छा ये टेनन्स कैप्सूल है, टेनन्स कैप्सूल में हमारे पास, ठीक है, हमारे प्रॉफ में 1 month एंड 28 days रह गए और 3.5 weeks ब्लॉक में रहते हैं, थैंक यू दिखाने के लिए। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक, टेनन्स कैप्सूल है, टेनन्स कैप्सूल के फेशियल शीट है कि सॉकेट को पूरा सराउंड कर रही है ना, ऊपर नीचे लैटरल नीचे सारे, और नीचे से ये जिस तरह गोद में नहीं रखता, ऐसे गोद में किसी को भी रख सकते हैं, तो उस तरह गोद में ना उसको कहते हैं हैमक, तो हैमक की तरह नीचे से ना आई बॉल को सपोर्ट कर रही है सॉकेट में। अच्छा, तो ये ऑप्टिक नर्व से कॉर्नियो सेक्युलर जंक्शन तक जाती है, लेकिन इधर मैम ने क्या पॉइंट बोला था, कॉर्निया तक नहीं जाती, कॉर्निया सेक्युलर जंक्शन तक जाती है, ये पॉइंट है, हाँ, तो कॉर्निया सेक्युलर जंक्शन तक जाती है। उसके बाद क्या है, ये फॉर्म करती है ट्यूबुलर शीट ऑन ऑर्बिटल मसल्स, यानी साइड से ट्यूबुलर शीट बना रही है, साइड से ऊपर से ट्यूबुलर शीट, ऊपर से ट्यूबुलर शीट ऊपर से बना रही है, क्योंकि आगे मीडियल लैटरल लिखा है ना, और मीडियल और लैटरली हमारे पास रेक्टाइल शीट है, वो हमारे पास अटैच कर रही है मीडियल और लैटरल वॉल ऑफ द ऑर्बिट के साथ, ठीक है, बाय मीडियल लैटरल चेक लिगामेंट्स। और इधर चेक लिगामेंट से क्या मुराद है, एंटीरियर टेनन्स कैप्सूल, नॉट पोस्टीरियर वन, ये भी मैंने डायग्राम से वाजे किया, अब थोड़ा टफ होता जा रहा है, साथ साथ चलना। अगर लोअर शीट जो है वो हमारे पास नीचे वाली जो शीट है वो सस्पेंड करी आई बॉल को सस्पेंसरी लिगामेंट के साथ, और इसको हम कहते हैं हैमक, हैमक यानी गोद में, यानी गोद टाइप में हमने बताया था, मतलब इसका ये होता है कि इस तरह नीचे, इस तरह हम बच्चों को गोद में नहीं उठाते, इस तरह नीचे से आई बॉल को ये ऐसे उठाया हुआ है इसने इस, और क्योंकि सॉकेट के अंदर सपोर्ट कर रहे हैं ये लिगामेंट। अब आते हैं एपिस्क्लेरल स्पेस बिटवीन फेशियल शीट एंड आउटर लेयर ऑफ द आई बॉल, हमारे पास एक स्पेस होती है उसको एपिस्क्लेरल स्पेस कहते हैं, तीन लेयर्स हैं कोर्ट्स आई बॉल की, फाइब्रस लेयर है जिसमें सेक्लेरा प्लस कॉर्निया, वेस्कुलर लेयर पिगमेंटेड यानी पिगमेंटेड ये है कि रॉड्स एंड कोन होते हैं। तो ट्यूबुलर शीट जो है ना वो मीडियल और लैटरल चेक लिगामेंट जो नीचे से ऐसे हैमक की तरह उठा रहे हैं ना आई बॉल को, तो उसको हम एज अ मिला के ट्यूबुलर शीट कह रहे हैं, जो नीचे से उठाते हैं, ऊपर से तो नहीं उठाते, ग्रेविटी नीचे पुल करती तो ऊपर नहीं है, नीचे है, ये करेक्शन है। अच्छा आगे, वेस्कुलर लेयर हमारे पास पिगमेंटेड है, पिगमेंटेड यानी इसके अंदर क्या है, रॉड एंड कॉन्स हैं, ठीक है, और फ्रॉम बिहाइंड फॉरवर्ड, पीछे से अगर आगे जाएं, पीछे से आगे जाएं तो सबसे अंदर हमारे पास कोरोइड बॉडी है। स्टार्ट, पहली करेक्शन ये कि पिगमेंटेड जो है रॉड एंड कॉन्स नहीं है, बस ये करेक्शन होगी। अब आगे, वेस्कुलर लेयर जो है पिगमेंटेड है फ्रॉम बिहाइंड फॉरवर्ड, अब इसके अंदर सबसे क्या कोरोइड, उसके ऊपर हल्का सा सिलरी बॉडी, फिर आयरस एंड प्यूपिल, और ये ऊपर हम आउट की तरफ जा रहे हैं इन साइड से, सबसे इनर क्या है कोरोइड, वो जो लिखा कोरोइड इनर, फिर उसके ऊपर सिलरी बॉडी, सिलरी बॉडी के आगे दो प्रोसेस, सिलरी प्रोसेस एंड सिलरी मसल, आगे की तरफ जो निकल रहा है सिलरी प्रोसेस है, पीछे जो उसे पड़ा है वो मसल है, और आयरस एंड प्यूपिल, एंड मैं डायग्राम भी कुछ दिखा दूंगा उसमें सिलरी प्रोसेस भी क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आयरस और हमारे पास प्यूपिल है, वो मॉडल पे रिवाइज करेंगे, आयरस प्यूपिल्स क्लियर सब कुछ, वो मैंने नोट किया हुआ एंड पे। अच्छा, सेंसरी न्यूरल क्या है, सेंसरी न्यूरल लेयर है इसके अंदर रेटिना है, रेटिना के अंदर ऑप्टिक पार्ट है और नॉन विजुअल पार्ट है, ये तीन बेसिक लेयर्स कवर हो गए साइड पे। अब आते हैं इनके डिटेल में, स्क्लेरा, ठीक है, अब स्क्लेरा में आ रहे हैं, स्क्लेरा हमारे पास क्या डेंस फाइबरस शीट है, कवर करीब 5/6 ऑफ द आई बॉल, जो आई बॉल पूरी वाइट है ऊपर से जो हमें दिख रहा है वो सारा स्क्लेरा है, और दरमियान में बस वो जो सारा काला सा है वो 1/6 है, तो 5/6 इसने कवर कर ली डेंस फाइबरस ने। उसके बाद लेमिना
स्क्रिब्रोसा, ये वो है कि पीछे से हमारे पास जो ऑप्टिक नर्व सुराख सेंटर हो रही है वो ट्राइबेकुलर टाइप बोन का मैश वर्क है एरिया, और उसके अंदर से ऑप्टिक नर्व निकल रही है, उसके अलावा वो कहीं से भी नहीं निकल सकती, सारी जगह सख्त होती हैं। तो जो ट्राइबेकुलर एरिया जहाँ से निकल रही है उसको हम लेमिना क्रिब्रोसा कहते हैं, और बिफोर एग्जिटिंग द आई यहाँ से ऑप्टिक नर्व जो निकलती है पियर्स बाय ऑप्टिक नर्व बिफोर एग्जिटिंग आई, तो यहाँ से ऑप्टिक नर्व निकल रही है हमारे पास। और स्क्लेरा जो है वो फ्यूज है किसके साथ, डॉर्सल शीट ऑफ द ऑप्टिक नर्व के साथ, डॉर्सल शीट ऑफ द ऑप्टिक नर्व के साथ फ्यूज है, ठीक हो गया। और क्योंकि स्क्लेरा ऊपर से आई के ऊपर कवर करते, पीछे भी तो आ रही है ना, इसलिए ऑल्सो पियर्स बाय द सिलरी आर्टरीज वेन्स वेनाई वर्टिकोस नर्व्स, हाँ ड्यूरल शीट, ड्यूरल नॉट डॉर्सल शीट, यस ड्यूरल शीट। और लिम्बस जो हमारे पास, लिम्बस में क्या है, लिम्बस है इन फ्रंट ऑफ कॉर्नियो सर्कुलर जंक्शन, तो जो लिम्बस है उसको हमें कॉर्नियो सर्कुलर जंक्शन भी कह सकते हैं, इन फ्रंट का मतलब है कि जहाँ वो किनारा मिल रहा है वो कॉर्निया का हो जाता है, तो इसलिए उस हिसाब से बताया मैंने, ऐसे कॉर्नियो सर्कुलर जंक्शन भी कह सकते हैं। अब आते हैं कॉर्निया पे, ठीक है ना। कॉर्निया क्या हमारे पास, ट्रांसपेरेंट फाइब्रस कोट है 1/6 जो आई बॉल दरम्यान से हमारे पास ब्लैक है वो है, और इन कॉन्टैक्ट और विद एक्वियस ह्यूमर है, एक्वियस ह्यूमर के साथ इन कॉन्टैक्ट, एक्वियस ह्यूमर जो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, और ये नोरिश भी करता है, और कैपिलरी से भी नोरिशमेंट ले रहा है, और हमारे पास लैक्रिमल फ्लूड से भी डिफ्यूजन के तहत नोरिशमेंट ले रहा है, तो तीन चीज़ें नोरिशमेंट दे रही हैं, एक्वस ह्यूमर हमें आई को पानी दे रहा है, कैपिलरीज दे रही हैं, और लैक्रिमल फ्लूड दे रहा है, ये तीनों नोरिशमेंट दे रही हैं, ये यहाँ से क्लियर हो गया। अब ये साइड में लिखा है, ये मैम ने क्या लिखा है, ये लॉन्ग सिलरी नर्व से मिल सप्लाइड है ये सारा एरिया, सेक्लेरा प्लस कॉर्निया, और लॉन्ग सिलरी नर्व जो हैं वो हमारे पास सिंपथेटिक हैं, जो ऑप्थेल्मिक जो ब्रांच है ऑफ ट्राइजेमिनल V1 उसके से आ रही है, ठीक है ना। जबकि आगे जो शॉर्ट हमारे पास सिलरी आएंगी वो हमारे पास जो ब्रांच होगी वो किसी और की होगी, वो हमारे पास जो ब्रांच होगी आई थिंक सो यहाँ लिखा होगा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग लाइक समवेयर हेयर, एक हाँ शॉर्ट सिलरी नर्व जो है क्रेनियल नंबर 3 जो ऑक्युलोमोटर है उसकी ब्रांच है, जबकि लॉन्ग जो है वो हमारे पास ट्राइजेमिनल ऑप्थेल्मिक के पार्ट की ब्रांच। अच्छा ये कवर हो गया। अब सेकेंड कॉलम कॉर्निया, कॉर्निया हमारे पास जो है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम ऑफ द आई। रिफ्रैक्टिव मीडियम ऑफ द आई का मैम का मतलब था कि जैसे एयर और वाटर मीडियम के दरमियान में जैसी लाइट बेंड करती, सिमिलरली कॉर्निया से लगने के बाद आई बेंड करके रेटिना के ऊपर इमेज बनाती है, तो ये इसका रिफ्रैक्टिव मीडियम है कॉर्निया, आई का बेंड करता लाइट को। यही आगे लिखा, फोकस द आई रेज बाय बेंडिंग ऑन रेटिना, वेस्कुलर पिगमेंट कोट, ये सेकेंड लेयर है, ये हमारी फर्स्ट लेयर डिटेल में कवर होगी, वेस्कुलर पिगमेंट कोट। पहला कोराइड आ रहा है, उसका आउटर पिगमेंटरी लेयर और इनर वेस्कुलर लेयर है, ठीक है बस इतना ही बताया मैम। सिलरी बॉडी, सिलरी बॉडी के हमारे पास कोराइड की कंटिन्यूशन हो रही है एंटीरियरली, और सिलरी प्रोसेस जो है वो फोल्ड है इंटरनल सरफेस ऑफ द सिलरी बॉडी का, जो स्क्रीट करता है एक्वियस ह्यूमर, यानी सिलरी बॉडी ही वो एक्वियस ह्यूमर स्क्रीट करती है जो कॉर्निया को फ्लूइड दे रही है। ज़ोनुलर लिगामेंट जो है लेंस का वो अटैच है सिलरी प्रोसेस के साथ, और सिलरी मसल जो है वो लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर रेडियली अरेंज है स्मूथ मसल्स यानी, और कंट्रोल थिकनेस एंड फोकस ऑफ द आई। एक्शन क्या है ये, फॉर क्लोज ऑब्जेक्ट्स एंड फॉर फार ऑब्जेक्ट्स, तो जैसे ये हमारे पास फॉर क्लोज अभी वो अभी ये किस पर खुली हुई है ना, फॉर क्लोज ऑब्जेक्ट फॉर फार ऑब्जेक्ट्स, तो ये वाली डायग्राम इसमें लगेगी बिल्कुल, ये हमारे पास लगेगी कि ये थोड़ा फोकस हो जाए, ये सिलरी मसल जो है वो उसके मसल फाइबर जो है वो रिलैक्स्ड हैं ऊपर वाले स्टेज में, और इधर भी रिलैक्स, इधर किस में रिलैक्स है नहीं, पहले कॉन्ट्रेक्शन को देखते हैं, कॉन्ट्रेक्शन किस में है फॉर क्लोज सब्जेक्ट्स, हम जब करीब की चीज़ देख रहे हैं, जब करीब की चीज़ देख रहे हैं तो हमारी क्या चीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है जैसे नीचे लिखा हुआ है, ठीक है ये डायग्राम है बिल्कुल क्लियर आ गया, अब यहाँ से स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। अच्छा कॉन्ट्रेक्शन हो रही है सिलरी मसल्स की, उसके बाद जोनल लिगामेंट रिलैक्स हो रहा है, और लेंस हमारा मोर कॉन्वेक्स हो रहा है, कॉन्वेक्स क्यों हो रहा है, कॉन्वेक्स इसलिए हो रहा है हमारे पास ताकि वो हमारे पास कन्वर्ज, वो तो है लेकिन कॉन्वेक्स इसलिए हो रहा है, ग्लोबुलर इसलिए बन रहा है ताकि वो डाइवर्ज करेगा। ये हमारे पास ये जो आगे सरफेस है ये अगर ऐसे निकली ये कॉन्वेक्स है, और अगर ये ऐसे हुई है ये कॉन्केव है, तो अभी हमारे पास इसमें जो है लेंस जो है हमारे पास मोर कॉन्वेक्स यानी मोर ऐसे ग्लोबुलर होगी, अब इससे क्या होगा हमारी जो लाइट रेज है कन्वर्ट हो जाएंगे और क्लोज ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से देख लेंगे, और उसमें हमारे सिलरी मसल कॉन्टैक्ट और ज़ोनुलर लिगामेंट रिलैक्स है, जेड रिलैक्स है जब हम करीब की चीज़ देखते हैं तो हमारा जेड जो है हमेशा रिलैक्स करता है, इस तरह याद रख सकते, जेड से क्या मतलब है ज़ेब्रा करता हूँ। अच्छा फॉर ऑब्जेक्ट दूर के ऑब्जेक्ट्स देखने, क्योंकि जब हम भी करीब के ऑब्जेक्ट देखेंगे तो जेड रिलैक्स करेगा, तो पता है मेमोनिक बन गया।
ज़ेब्रा, जेड फॉर ज़ेब्रा, ज़ेब्रा रिलैक्सेस। तो फॉर ऑब्जेक्ट, दूर के ऑब्जेक्ट देखने तो हमारा कौन ऑपोजिट हो जाएगा, सिलरी मसल रिलैक्स, जोनर रिगमेंटेंस, और ये हमारा अगर ग्लोबुलर था लेंस तो अब थोड़ा ऐसे हो जाएगा, कॉनकेव लाइक हो जाएगा, लेस कॉन्वेक्स हो जाएगा। इससे क्या होगा, डाइवर्ट हो जाएंगे, और डाइवर्ट जब लाइट रेज होंगी तो हमारे फार ऑब्जेक्ट्स हम देख सकते हैं। अच्छा, ये तो फिजिक्स थी इसमें इन्वॉल्व वैसे। अच्छा, ये क्लियर हो गया। नर्व सप्लाई क्या है? हाँ, ये शॉर्ट सिलरी जो नर्व्स हैं वो क्रेनियल नंबर 3 ओक्यूलोमोटर हैं, यानी पोस्ट कैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर जो है वो क्रेनियल नंबर 3 ओक्यूलोमोटर से निकल रहे हैं और वो शॉर्ट सिलरी नर्व्स बना रहे हैं, जबकि लॉन्ग सिलरी कहाँ से आ रही है? ऑप्थैल्मिक ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल फिफ्थ क्रेनियल नर्व। तो दो क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व है, जब तो मुझे याद ना हो जाए पूरी जिंदगी बोलता। अच्छा, आयरस एंड प्यूपिल, वो हम मॉडल के ऊपर बताएंगे आयरस के और प्यूपिल के एंड में। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है, थिन कॉन्ट्रेक्टाइल पिगमेंट डायफ्राम विद सेंट्रल अपर्चर प्यूपिल फॉर लाइट ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन में मदद करता है, लाइज इन द एक्वस ह्यूमर अटैच टू सिलरी बॉडी सेगमेंट्स और आई चैम्बर्स। यस यस, तो ये हमारे पास यस, इसमें ये है पोस्टीरियर चैम्बर, एंटीरियर चैम्बर, और जो सेगमेंट्स हैं वो सारे इसमें वाजे हो सकते हैं। एंटीरियर सेगमेंट के कॉर्निया से लेंस तक, ये लेंस है, ओह एक मिनट, ये लेंस है और ये कॉर्निया है, तो ये सारा हमारे पास एंटीरियर सेगमेंट आ गया। और पोस्टीरियर सेगमेंट क्या, लेंस और रेटिना, लेंस और रेटिना, रेटिना इसमें दिख नहीं रहा, तो रेटिना बहुत अंदर होता है जहाँ हमारे पास इमेज बनती है, तो रेटिना से लेंस तक वो पोस्टीरियर सेगमेंट है। और इसमें भी हमारे पास एंटीरियर सेगमेंट क्या है, एंटीरियर कॉर्निया से आयरस तक है एंटीरियर सेगमेंट, और आयरस से लेंस तक पोस्टीरियर सेगमेंट है। बाद में आप दिल्ली भेज देना। अच्छा, उसके बाद ये डायग्राम भी है, ठीक है, ये डायग्राम जो है हमारे पास, इसमें भी वाजे हो रहा है थोड़ा सा, अच्छा सा। अच्छा, इसमें भी ना एंटीरियर सेगमेंट और पोस्टीरियर सेगमेंट वाजे हो रहा है। अब इसको हम एंटीरियर सेगमेंट कहेंगे, ये सारा ये एंटीरियर, हाँ एंटीरियर सेगमेंट कहेंगे, चैम्बर्स हैं दोनों, एंटीरियर सेगमेंट कहेंगे और लेंस से रेटिना तक पोस्टीरियर सेगमेंट, पोस्टीरियर सेगमेंट कहेंगे। यस, तो सेगमेंट और चैम्बर में फ़र्क है, ये इसमें पिक्चर्स में से वाजे हो गया। अब अच्छा, आगे बढ़ते हैं, यही बात यहाँ लिखी हुई है, और मसल ऑफ द आयरस स्फिंक्टर पपुलाई और डायलेटर पपुलाई हैं, और उनके फंक्शंस हाइलाइट किए हुए हैं। स्फिंक्टर पपुलाई के सर्कुलर फाइबर्स अराउंड द मार्जिन ऑफ द प्यूपिल कॉन्स्ट्रक्ट करते हैं प्यूपिल को इन ब्राइट लाइट में, और शॉर्ट सिलरी नर्व इसको पैरासिम्पैथेटिकली, शॉर्ट सिलरी नर्व किसकी ब्रांच है, क्रेनियल नंबर 3 वो इसको सप्लाई कर रही है। और ये क्या कर रहे हैं हमारे पास, जब हम ब्राइट लाइट में जाते हैं, जब हम ब्राइट लाइट में जाते हैं तो वो कॉन्स्ट्रक्ट करती है प्यूपिल, ठीक है ना। अब डायलेटर मसल पे आते हैं, डायलेटर के रेडियल फाइबर्स जो हैं क्लोज टू द पोस्टीरियर सरफेस, ये डायलेट करते पीपल को लो लाइट में, जब भी हम अंधेरे में जाएंगे तो पीपल हमारा डायलेट हो जाएगा। एक्सेसिव सिंपथेटिक एक्टिविटी लाइक फ्राइट, अच्छा फ्राइट की कंडीशन में भी जब भी लड़ेंगे तब भी डायलेट हो जाएगा पीपल, कहीं भी आप लड़ें। लॉन्ग सिलरी नर्व सिंपथेटिक फाइबर, ठीक है, ये लॉन्ग सिलरी नर्व जो है सिंपथेटिक फाइबर जो है वो ट्राइजेमिनल, नीचे वाला ट्राइजेमिनल का काम है, यानी जब भी आप लो लाइट में जाएंगे तो ट्राइजेमिनल नर्व आपकी काम करेगी, जब आप रोशनी में जाएंगे तो आपकी ओक्यूलोमोटर क्रेनियल नंबर 3 काम करेगी। तो आपको यहाँ से भी पता लग सकता है आप कहाँ खड़े हैं। अच्छा, सेंसरी न्यूरल रेटिना, ऑप्टिक पार्ट सेंसिटिव टू लाइट, नॉन विजुअल रेटिना। ऑप्टिक पार्ट में क्या, इनर न्यूरल लेयर लाइट रिसेप्टिव, आउटर पिगमेंटल लेयर रिड्यूस स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऑप्टिक पार्ट टर्मिनेट्स एंटीरियर अलोंग द ऑरा सेरेटा, दैट इज इररेगुलर पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ सिलरी बॉडी, नर्वस टिश्यू एंड नॉन विजुअल रेटिना। इसमें दो हिस्से आ रहे हैं, सिलरी पार्ट ऑफ द रेटिना एक्सटेंड ओवर सिलरी बॉडी, आयरल राइडल पार्ट ऑफ रेटिना एक्सटेंड ओवर पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द आयरस, आउटर सर्फेस ऑफ रेटिना इन कॉन्टेक्ट विद द कोरॉइड बॉडी, हाँ ये इंपॉर्टेंट, इनर सर्फेस ऑफ रेटिना इन कॉन्टेक्ट विद द विट्रस, विट्रस बॉडी जेली जेली टाइप बॉडी है। फंडस जो है हमारे पास इनर साइड ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द आई बॉल है, जिधर लाइट फोकस होती है, लाइट फोकस हेयर होती है, इनर साइड ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द आई बॉल, यानी ये फंडस के ऊपर है ना, रेटिना के ऊपर है ना फंडस, हाँ रेटिना के ऊपर फंडस ही कहते हैं जहाँ इमेज बन रही रेटिना के ऊपर, उसको फंडस कहेंगे। तो इसमें हमारे पास जो ये है ना, हाँ वो मैं समझ गया, ये लेमिना स्क्रिब्रोज है और ये वाया, ये हमारे पास विट्रस चैम्बर है, ये नीचे जितना भी है ना जेली लाइट सरफेस वो विट्रस है, ये विट्रस बॉडी है, ये जितना साइड पे हमारे पास ब्राउन है ये विट्रस बॉडी भी क्लियर हो गया, बस खत्म हो गया, एक रह गया। मैक्यूलर लूटियल जो है वो ओवल येलोश एरिया है फंडस का, अच्छा ये मैक्यूलर लूटियल ओवल येलोश एरिया रेटिना का, और इसमें फोटो रिसेप्टर्स हैं, उसमें फोटो रिसेप्टर्स है, कौन सा फॉर द विजुअल एक्टिविटी, अच्छा बना लो जाता है, अच्छा ओवल येलोश एरिया ऑन द रेटिना है फोटो रिसेप्टर्स कौन, अच्छा यहाँ आप देखो ना फॉर विजुअल एक्टिविटी फाइन डिटेल्स के लिए इन्वॉल्व है, कौन फाइन डिटेल्स के लिए होगा, और ओनली कौन आर फाउंड इन मैक्यूला, कौन से, लेकिन फोविया फोविया सेंट्रलिस में फोकस बहुत ज़्यादा है, अमाउंट बढ़ जाती है, ऐसे ही है एक्चुअली, जो मैक्यूला है ना वो सेंटर पॉइंट है रेटिना का, हाँ क्या है जो कि येलोइश स्पॉट है एक्चुअली, और वो फंडस के अंदर है ना, हाँ उसके अंदर एक फर्दर डिप्रेशन है जो कि कंसनट्रेटेड है इन कॉन्स,
इसलिए हम उसको फोबिया और उसमें कौन सबसे ज़्यादा है और रॉड्स आर फाउंड ऑन द आउटर एज ऑफ द रेटिना. ठीक है, फोबिया में सेंट्रल डिप्रेशन है, मैक्यूला और इधर कौन सबसे ज़्यादा है, ऑप्टिक डिस्क है, ऑप्टिक नर्व जो है. अच्छा, ऑप्टिक डिस्क ऑप्टिक नर्व जो है लीव करती है 3 मिलीमीटर टू द मिडिल साइड ऑफ द रेटिना ऑप्टिक साइड. और हमारे पास जो है सेंट्रल सलाइटरी डिप्रेस अपीयर्स बाय द सेंट्रल आर्टरी ऑफ द रेटिना. इधर सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना में नो रॉड्स कोन्स की ब्लाइंड स्पॉट है, सेंसिटिव टू लाइट है. ठीक है ना. अच्छा, फंडोस्कोपी है, इसमें मैक्यूला और ऑप्टिक डिस्क और रेटिनल को हम एग्जामिन करते हैं. और केनाल ऑफ द स्कीम जो है श्लेम, केनाल ऑफ द श्लेम ये है कि प्रेजेंट है द अराइडो कॉर्नियल एंगल. इसमें क्या सिलरी प्रोसेस प्रोड्यूस एक्वेस्यूमर, एक्वेस्यूमर एंटर द पोसीरियर चैम्बर. पोसीरियर चैम्बर क्या था हमारे पास, पोसीरियर चैम्बर था लेंस और रेटिना के दरमियान जो, हाँ लेंस और रेटिना के दरमियान. नो दैट वाज द पोसीरियर सेगमेंट, अगेन कंफ्यूज. नहीं, पोसीरियर चैम्बर है, पोसीरियर चैम्बर है आयरस और लेंस के दरमियान वाला एरिया. वो देखो पोसीरियर चैम्बर, हाँ पोसीरियर चैम्बर, ये देखो पोसीरियर चैम्बर आयरस और लेंस के दरमियान, इधर पोसीरियर चैम्बर लिखा हुआ है. ये पोसीरियर चैम्बर देखा ना, डायग्राम का फायदा है. पोसीरियर चैम्बर जो है ना, पोसीरियर चैम्बर आयरस और लेंस के दरमियान है, वो पोसीरियर सेगमेंट है. वो आप डायग्राम देखोगे ना, इधर मैंने बड़े सही बताया, उसमें क्लियर होगा. हाँ, तो एक्वेस्यूमर पोसीरियर चैम्बर में गया, उसके वो एंटीरियर चैम्बर में गया प्यूपल के थ्रू, फिर वो एंटर हुआ केनाल ऑफ श्लेम में, श्लेम के बाद वो सर्कुलेशन में चला गया. और अगर इसके ऑब्स्ट्रक्शन में लीड आ जाए तो इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर बढ़ जाता है और ग्लूकोमा हो जाता है क्लिनिकल कंडीशन. और इसमें जब प्रोड्यूस हो जाता है, इसके जब प्रेशर पड़ता है इसके ऊपर, तो डीजेनरेटिव चेंजेस आ जाते हैं, होल्स बन जाते हैं. और इसकी वजह से क्या होता है, स्पेशली एट द लेमिना क्रिब्रोजा, ये देखो वो बात क्लिनिकल कंडीशन करेक्ट होगी, स्पेशली एट द लेमिना क्रिब्रोजा जहाँ से ऑप्टिक नर्व पास हो रही होती है. जब इधर प्रेशर आता है बंदा ब्लाइंड हो जाता है, क्योंकि इधर से ऑप्टिक नर्व पास हो रही होती है. वो आपकी बात क्लियर होगी. यस, जेनुअल फाइबर्स ऑफ द लेंस, इधर क्या करते हैं, अटैच द लेंस टू द सिलरी प्रोसेस.